गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम एस अमरीन एंड आई विल टीच यू इन मैथ सब्जेक्ट्स। नाउ सिक्स क्लास लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेट, सेट मेंबर, एलिमेंट, डिस्क्रिप्टिव, सेट बिल्डर, ट्रिवियल फॉर्म, ये सारे नोटेशंस पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेट्स। इसकी कुछ स्पेशल्स कह लें, कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ सेट हैं जिनके मुताबिक हम लोग कैलकुलेशन करते हैं या उनके मुताबिक हमारा मेथड यूज़ होता है, इस तरह का मटेरियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है फाइनाइट सेट। कौन सा सेट? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में हमारे पास होता है लिमिटेड चीज़ें। इसमें हम कुछ भी मेजरमेंट करें या कुछ भी, कोई भी डिजिट हो, कुछ भी ओवर लिमिटेड हो, लाइक हम लोग लिमिटेड में कह सकते हैं कि लिमिटेड में हमारे पास होता है अल्फ़ाबेट्स ए टू जी। अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए टू जी। ए टू सी के बाद डेज ऑफ वीक भी हो सकते हैं, मंथ ऑफ ईयर्स, हाँ मंथ ऑफ ईयर्स भी हो सकते हैं, लाइक ऐसी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं फाइनाइट सेट। आर सेट कंटेनिंग अ फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। एग्जांपल आपके सामने ही है ए टू जी। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में हमारे पास होता है अनलिमिटेड। हमारे पास कोई भी मटीरियल, हमारे पास हर मटीरियल इसका अनलिमिटेड होता है, लाइक नंबरिंग वन टू फर्दर जितनी भी काउंटिंग में हो सकता है, नंबरों की कोई तादाद नहीं। स्टार्स, आसमान पे कितने तारे होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है, इस तरह की चीज़ें इनफाइनाइट सेट में आती हैं। उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सेट कंटेनिंग अ इनफाइनाइट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल नंबर की आपने देख ली। ओके, थर्ड डेफिनेशन है हमारे पास, थर्ड टाइप है एम्प्टी, नल, वॉइड। ये सेट होते हैं। एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ब्रैकेट्स बिल्कुल खाली होती हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दिस सेट डू नॉट हैव एलिमेंट विच इज़ नोन एज एलिमेंट सेट। एग्जाम्पल आपने देख ली है। नौ टाइप नंबर फोर पढ़ते हैं। इक्वल सेट। टू और मोर सेट मे बी इक्वल इफ दैट दे हैव द सेम एलिमेंट। इक्वल सेट में हमारे पास दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। सेट ए के भी एलिमेंट सेम जो हों, वही सेट बी के हों, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट। टू सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दैट दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास ये मटेरियल होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट नंबर सेम हो, लाइक अगर ए सेट में थ्री डिजिट्स हैं तो बी सेट में भी थ्री डिजिट्स होने चाहिए, उसको आप फोर डिजिट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, वो इक्विवेलेंट सेट नहीं फिर होगा अगर वो डिजिट फोर में हो जाएगा। अगर ए सेट में थ्री डिजिट्स हैं या टू डिजिट्स हैं तो नेक्स्ट बी में भी हमारे पास थ्री या टू ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होंगे, वरना वो इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। नेक्स्ट नोट है, एवरी इक्वल सेट इज़ आल्सो एन इक्विवेलेंट सेट। हर इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, लेकिन बट एवरी इक्विवेलेंट सेट मे नॉट बी एन इक्वल सेट। हर इक्वल सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल सेट नहीं हो सकता। क्योंकि इक्वल सेट में तो हमने कहा है ना कि दोनों डिजिट सेम हो, मतलब कि अगर ए सेट में हमारे पास इक्वल में, अगर हमारे पास ए सेट में वन टू, सेट ए में वन टू थ्री है, तो बी सेट में भी हमारे पास टू थ्री वन हो या इस तरह हो, आगे पीछे हो जाए वो खैर है, लेकिन दोनों में नंबरिंग एक जैसी हो। ठीक है, इसी तरह इक्विवेलेंट में हमने कहा है कि डिजिट्स के नंबर्स सेम हो ना हो, उनके लिमिट
बिल्कुल सेम हो। जैसे कि अगर हमारे पास सेट ए में 3 डिजिट्स हैं तो सेट बी में भी हमारे पास 3 हों, लेकिन वो कोई और हों तो वो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो कोई और होंगे तो वो इक्वल सेट नहीं होगा, वो इक्वेलेंट सेट ही होगा। लेकिन इक्वेलेंट सेट में इक्वल सेट हो सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास यूनिसेट। आ यूनिसेट इज़ आ सेट दैट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। आ यूनिट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सिंगलटन। हमारे पास यूनिट सेट में इस तरह होता है कि हर एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब कि हर ब्रैकेट में एक अलग अलग डिजिट होता है। एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है हमें कि एग्जांपल में उन्होंने दिए हैं पहले सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर ट्रिपल पे आ गए। इसी तरह अलग अलग ब्रैकेट्स में होता है। नाउ डेफिनेशन ऑफ 7 डिसजॉइंट सेट। टू और मोर सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। डिसजॉइंट सेट में हमारे पास 2 से 3 सेट होते हैं, ठीक है, या तो ए सेट ए बी सी होता है या बी सी होता है, इस तरह होते हैं। लेकिन उनमें कोई भी सेम एलिमेंट्स नहीं होता, जिसमें कि आपने एग्जांपल में देखा है, एग्जांपल में 2, 3, 4 है, और सी वाली एग्जांपल में हमारे पास 5, 6, 7 है, ठीक है। नौ डेफिनेशन ऑफ 8 ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग में भी है, 2 or more सेट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव एट लीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट। मतलब ये कि ए सेट में और बी सेट में कम से कम हमारा एक डिजिट सेम होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल में है 1, 2, 5 एंड सेट बी में है 2, 3, 4। सेट ए में से 2 और सेट बी में से 2 दोनों कॉमन है, तो कम से कम हमारा एक सेट, दोनों सेटों में से कोई एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। लास्ट पे हमारे पास 9 डेफिनेशन यूनिवर्सल सेट। Universal set. A universal set is a set which contains all the sets under consideration. For example, J for January, June, July, and A for April and August. U set में उन्होंने दे दिया month of year. Now अब आप लोगों ने इसकी डायरी ये है कि आप लोगों ने इसको याद करना है अच्छी तरह, 9 definitions को, और आप लोगों ने अपनी copy पे इसका homework भी करना है। लास्ट वाला होमवर्क भी आप लोगों को रिपीट होना चाहिए, वो भी कॉपीज में होना चाहिए, और ये वाला भी। थैंक यू।